एवरीवन, मैं हूं ज्योति जसना द गर्ल। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। और आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं मामा अर्थ के नेचुरल हेना पेस्ट का रिव्यू और साथ ही साथ में उसका एप्लीकेशन भी। तो लास्ट मंथ जब मुझे ब्रांड ने ये हेना पेस्ट सेंड किया था तो मैं इसको यूज करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मैं वैसे भी रेगुलर बेसिस पे हेना यूज करती हूँ मेरे बालों पे ग्रेस को कवर करने के लिए, और साथ ही साथ में उससे ज्यादा हेना के जो बेनिफिट्स होते हैं, मतलब हेयर को जो वो कंडीशन करता है, नर्चर करता है, उसके लिए भी मैं रेगुलर बेसिस पे हेना पेस्ट यूज करती भी हूं। और क्योंकि ये एक रेडी टू यूज इंस्टेंटली यूज करने वाला हेना पेस्ट है, तो मुझे लगा कि अगर ये मेरे बालों के लिए काम कर जाता है जैसा मुझे मेरे हेना पेस्ट से रिजल्ट मिलते हैं, अगर वैसा ही रिजल्ट मुझे इससे मिलता है तो मेरे लिए इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि अभी मेरा छोटा बच्चा है और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है ये सब चीजें करने का। क्योंकि जो अपना हेना पेस्ट होता है उसको पहले सामान इकट्ठा करो, फिर सारी चीजें राइट प्रपोर्शन में मिक्स करो, देन उसे ओवरनाइट रखो, फिर नेक्स्ट डे लगाओ, एंड मतलब काफी मेसी भी हो जाता है उसको अप्लाई करना। तो मैंने इसको यूज कर लिया है और आज आप सबके साथ मैं शेयर करूंगी कि कैसे मैंने इसको लगाया, मेरे बालों को लगाने के बाद क्या रिजल्ट मिला, मेरा क्या एक्सपीरियंस है एंड एवरीथिंग। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और आगे बाकी डिटेल शेयर करने से पहले आप देख लीजिए इसका एप्लीकेशन कि मैं इसको कैसे अप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये हेना पेस्ट जो है एक ग्लास के बोल में ले लिया है, एंड मेरी जितनी हेयर लेंथ है लगभग मेरी वेस्ट लेंथ की हेयर है, और पूरा का पूरा पैक जो है वो मेरे बालों में यूज हो गया था। और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है। आप इसको ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मेरे पास ब्रश नहीं था तो मैंने यहाँ पे ये प्लास्टिक के ग्लव्स पहन लिए हैं। आपके पास ब्रश है तो आप आराम से ब्रश से यूज कर सकते हैं। अच्छे से मैंने एक बार इसे गुड मिक्स दे दिया, और उसके बाद सबसे पहले मैं मेरे जो हेयर का फ्रंट सेक्शन है जहां पे मुझे ग्रेज है थोड़े बहुत से, वहां पे मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर रही हूं ताकि मेरे ग्रेज जो है वो सबसे पहले कवर हो जाए। वहां पे अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैंने बालों को दो सेक्शन में डिवाइड कर लिया है, और मैं सबसे पहले एक तरफ का पार्ट लूंगी और उसको मैं सेक्शन सेक्शन में करके इसको अप्लाई करूंगी। तो पहले मैं एक छोटा सा सेक्शन लूंगी, उसमें मैं रूट से लेकर टिप्स तक इसको अच्छे से मेरे हाथों से अप्लाई करूंगी। कोशिश करूंगी कि एक एक जो है हेयर स्ट्रैंड कवर हो जाए एंड मेरी जो टिप्स है वो भी अच्छे से कवर हो जाए ताकि वो भी अच्छे से नरिश हो जाए। और इसी तरीके से छोटे छोटे सेक्शंस लेते हुए मैं एक तरफ का पूरा जो हेयर है जो मैंने डिवाइड किया है उसे मैं कवर कर लूंगी, और सेम प्रोसेस मैं दूसरे साइड भी करूंगी। और आप देख रहे हैं कि मैं कैसे एक एक सेक्शन को लेके अप्लाई करके और ऊपर इस तरीके से लपेटते जा रही हूं ताकि एंड में पूरा हेयर जो है वो एक साथ आ जाए, कह लीजिए एक जटासी बन जाए। और एंड में आप देख सकते हैं कि ये पूरी एक जटासी बन गई है। जो भी थोड़ा बहुत बोल में बचा उसको मैं अच्छे से बैक साइड में भी अप्लाई कर लूंगी ताकि कुछ भी ना बचा रहे, कोई भी पोर्शन ना बचा रहे। तो इसको अप्लाई करने के बाद एक से दो घंटे के लिए रखना है, मैंने इसको दो घंटे के लिए रखा था। और उसके बाद जो है जिस दिन आपने इसको अप्लाई किया है उस दिन उसे सिर्फ और सिर्फ प्लेन वाटर से वॉश करना है बालों को, शैम्पू वगैरह कुछ भी नहीं करना है। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे शैम्पू एंड कंडीशन किया था मैंने, और मामा अर्थ का जो इसी रेंज का हेना रेंज का शैम्पू एंड कंडीशनर रहता है वो ही मैंने यूज किया था ताकि मुझे बेटर रिजल्ट मिले। तो देख लिया आपने एप्लीकेशन। तो अब आती हूं मैं इसकी अदर डिटेल्स पे। तो ये जो मामा अर्थ का नेचुरल हेना पेस्ट है ये आता है 249 रुपीस का, जिसमें 200 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है। एंड एज ऑलवेज यू कैन यूज माय कूपन कोड मामा अर्थ की वेबसाइट और उनके ऐप पे, जहां पे आपको इस प्रोडक्ट पर या फिर मामा अर्थ के किसी भी प्रोडक्ट पे 20% का ऑफ मिल जाएगा। आप ये कहां से खरीद सकते हैं, तो मामा अर्थ की वेबसाइट से, उनके ऐप से तो खरीद ही सकते हैं, साथ ही साथ में अमेजोन, नाइका एंड फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। मेरा कूपन कोड प्लस सारे के सारे परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिया है। पैकेजिंग की बात कर लूं तो इस तरीके के पाउच में हेना पेस्ट आता है, ये मैंने सिर्फ बचा के रखा था इस वीडियो के लिए। और ये यहाँ पे कैप आती है जो कि काफी अच्छे से टाइट है, सिंपल सी फर्स्ट फ्री पैकेजिंग है, कुछ भी ऐसा मैसी वगैरह होने का कोई चांस नहीं है। एंड जैसा मैंने पहले बताया कि मेरी जो हेयर लेंथ है उसके लिए मुझे पूरा पैकेट लग गया, बट अगर आपकी हेयर लेंथ कम है, आपको लगता है कि पूरा पैकेट यूज नहीं होगा, तो कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है, जितना आपको यूज करना है आप कर लीजिए, और उसके बाद इसे अच्छे से बंद करके इन रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। एक बार अगर आपने इसे ओपन किया तो 30 डेज के अंदर अंदर आपको इसको यूज करना है, रेफ्रिजरेटर में रख दिया, एंड जब आपको यूज करना है आप इसको निकाल दीजिए यूज करने के कुछ देर पहले ताकि अच्छे से डिफ्रॉस्ट हो जाए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए, एंड देन यू कैन
यूज इट। बता दूं आपको मैं इस हेना पेस्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में, तो सबसे पहले लेट मी टेल यू कि इसमें कोई भी डाइज का यूज नहीं करा गया है। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि रेडी टू यूज है, तो हो सकता है इसमें डाई का यूज करा गया हो, बट इसमें कोई भी डाइज का यूज नहीं करा गया, कोई भी टॉक्सिन्स नहीं है, बिल्कुल मेड सेफ सर्टिफाइड है। साथ ही साथ में इसमें 100% नेचुरल हेना का यूज करा गया है। हेना जो है एक नेचुरल हेयर डाई होती है जो कि बालों को स्ट्रेंथन करती है, उन्हें नरिश करती है, साथ ही साथ में ग्रेस को भी कवर करती है। मैं अपने घर में देखती आई हूँ, मेरी मदर यूज करती है नेचुरल हेना, मेरी मदर इन लॉ यूज करती है नेचुरल हेना, एंड वो लोग जिनको ग्रेस नहीं है वो भी मेरी फैमिली में रिलेटिव्स फ्रेंड्स वो भी नेचुरल हेना उनके बालों पे यूज करते हैं, बालों को नरिश करने के लिए, कंडीशन करने के लिए, क्योंकि हेना होता ही इतना अच्छा है, हमारे स्कैल्प को भी ठंडक देता है। स्पेशली अभी जो गर्मियों का सीजन चल रहा हेना यूज करने से स्कैल्प एंड जो बाल होते हैं वो दोनों ही नरिश एंड कंडीशन होते हैं। साथ ही साथ में इसमें डार्क रोस्ट कॉफी का भी यूज करा गया जो कि रिच इन एंटीऑक्सीडेंट तो होता ही है। कॉफी हेयर ग्रोथ को भी बूस्ट करता है, बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है और बालों में शाइन ऐड करता है। इसमें इंडिगो ऑयल का भी यूज करा गया जो कि डैंड्रफ को ट्रीट करता है, प्री मेच्योर ग्रेइंग को भी प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ में ड्राई हेयर को कंडीशन भी करता है। और इसमें कोकोनट ऑयल का भी यूज करा गया जो कि बालों को नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है और हेयर ग्रोथ को भी एक्सिलरेट करता है। बेसिकली इसमें ये सारे प्रोडक्ट्स यूज करे गए जो मैं घर पे जब हेना पेस्ट बनाती थी तो यही सारी चीजें मिक्स करके ही वो हेना पेस्ट बनाती थी। एंड लेट मी टेल यू कि इनके अलावा भी इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स यूज करे गए हैं जो कि स्कैल्प के लिए हेयर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि मंजिष्ट, हिबिस्कस, मेथी, बीटरूट, ब्राह्मी, रीठा, शिकाकाई, जो कि हम सबको पता है कि ये सारे इंग्रेडिएंट जो है हमारे बालों के लिए कितने ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो अब मैं आती हूँ रिजल्ट्स पे। तो कल मैंने इसको अप्लाई करा था, मैंने सिर्फ नॉर्मल वाटर से बालों को वॉश किया था और आज मैंने शैम्पू एंड कंडीशनर किया है एंड एज यू कैन सी कि मेरे जो बाल है वो आपको थोड़े बहुत से उसमें ब्राउनिश था ह्यू दिखाई दे रहा होगा। ग्रेस कवर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो मुझे ग्रेस थे उसको इसने कवर करके बहुत ही ब्यूटीफुल सा गोल्डन कॉपरिश ह्यू दिया है जो कि मुझे मेरे नेचुरल हेना पेस्ट से मिलता था। एग्जैक्टली सेम कलर, एग्जैक्टली सेम कवरेज मुझे इससे भी मिली, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गोल्डन कॉपरिश ह्यू मिला है क्योंकि ऑब्वियसली ये हेना है, ये बालों को बिल्कुल ब्लैक कलर नहीं देगा, इट इज नेचुरल, इसमें कोई डाई नहीं है, तो ये वही कलर देगा जो नेचुरल हेना से मिलता है एंड आई एम रियली रियली सेटिस्फाइड जो कि मेरे बालों में रिच कलर इसने डिलीवर किया है। साथ ही साथ में इसने बालों को बहुत अच्छे से कंडीशन भी किया है, बालों का टेक्सचर भी अच्छा है, बाल हेल्दी फील हो रहा है जैसा हेना लगाने के बाद लगना चाहिए, बालों का टेक्सचर बिल्कुल वैसा सा ही लग रहा है। जब मैंने इसको अप्लाई करा था ना तो मेरे स्कैल्प में बहुत अच्छी सी मतलब ठंडक लग रही थी, कूलिंग सी लग रही थी जो कि हेना लगाने के बाद लगती है एंड आई एम रियली सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स। और अब मुझे बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब मैंने काफी टाइम से आलस कर रखी थी, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था और कहते हो आलस भी कर रखी थी कि कौन सारी चीजें मिक्स करे फिर उसको रखे नेक्स्ट डे लगाए, इधर उधर छूटता बहता रहता है एंड आपने एप्लीकेशन के टाइम पे देखा होगा कि इसका बिल्कुल नो ड्रिप फॉर्मूला है, कहीं भी इधर उधर से गिरता भी नहीं है। तो अब मुझे बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है मेरा बैकअप क्योंकि ये तो फिनिश हो गया एक बार मेरे बालों में, तो मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया, इवन मेरी मदर के लिए भी ऑर्डर करा हुआ क्योंकि मैं मेरे यहां घर पे हूं अभी मम्मी के पास एंड उन्होंने देखा जब मैंने इसको अप्लाई किया, वॉश किया, सारी चीजें उन्होंने देखी और वो रेगुलर बेसिस पे हेना लगाती हैं, उन्हें भी काफी अच्छा लगा मेरे मतलब बालों में रिजल्ट्स देख के, तो उनके लिए भी मैंने ऑर्डर किया है एंड मतलब मैं बिल्कुल इसको थम्स अप दूंगी, मेरी तरफ से मैं इसको हाईली रेकमेंड करूंगी। बता दूं आपको कि मामाअर्थ इज ऑल अबाउट गुडनेस इनसाइड देयर प्रोडक्ट्स एज वेल एज द वैल्यूज दे स्टैंड फॉर एंड मामाअर्थ हैज टेकन प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव जिसके अंडर जब भी हम उनकी वेबसाइट से कुछ बाय करेंगे हमारे ऑर्डर को वो लिंक करेंगे एक ट्री से जिसे वो हमारे बिहाफ पे प्लांट करेंगे एंड दे आर एमिंग टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज बाय 2025। और अब लॉन्च हो चुका है मामाअर्थ का ऑफिशियल ऐप जो कि अवेलेबल है एंड्रॉइड एंड iOS यूजर्स दोनों के लिए, तो जो भी डाउनलोडिंग लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिए हैं, अगर आप उनके ऐप को यूज करते हैं तो आपको मिलेगा उनकी सेल में अर्ली एक्सेस, दैट मींस यू कैन गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सो या आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, ये प्रोडक्ट मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, आप बिल्कुल आराम से इसे चेकआउट कर सकते हो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपने इसको यूज कराया तो कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको कैसा लगा है, आपके बालों पे क्या रिजल्ट्स आए हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस है अच्छा बुरा आप सब कुछ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड चीयर।